मैम आप ये कब से लगा रहे हो? 2 महीने हो गए. 2 महीने हो गए. तो मैम घर परिवार में आपके कौन कौन है? घर परिवार में सब हैं, लेकिन काम इसके पापा करते थे जी, उन्हीं से खर्चा चलता था. बेटा आपका ये मेंटली अपसेट है, आप पहले से है या अभी हुआ? ये बचपन से ही ऐसा है. बचपन से ही है? हाँ जी, शुरू से. तो मैम कहीं ना कहीं तो दुख तो होता ही होगा. पहले होता था मुझे दुख जब ये छोटा था, पैदल भी नहीं चल पाता था, ये 4-5 साल तक पैदल ही नहीं चला, तो थोड़ा दुख होता था. फिर धीरे धीरे मैंने बाहर मतलब स्कूल में लगाया ये, फिर बाहर और भी बच्चों को देखा, तो मुझे लगा कि एक मेरे ही बच्चा थोड़ी है, बहुत बच्चे हैं दुनिया में, इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अपने स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा था, इसकी वजह से हमें रोजगार मिला है. स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, रॉयल्टी क्लब है, निर्दोष स्कूल है, वहाँ पे दुग्गल सर जी हैं, सूरज सिंह दुग्गल सर जी, उन्होंने उनका बहुत बड़ा साहन रहा है. ਸਾਸ਼ੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ. ਹੈਲੋ ਮੈਮ. ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਕੈਸੇ ਹੋ? ठीक हूँ मैं. आप? मैम आप ये कब से लगा रहे हो? 2 महीने हो गए. 2 महीने हो गए. तो मैम घर परिवार में आपके कौन कौन है? घर परिवार में सब हैं, लेकिन काम इसके पापा करते थे जी, उन्हीं से खर्चा चलता था जी. हाँ जी. तो घर का खर्चा चलता था, अब आप दोनों माँ बेटे जो है एक रेड़ी लगा रहे हो, तो कितना ज़्यादा आपको यहाँ से मिल जाता है? घर का गुजारा अब हो जाता है? हाँ जी, घर का गुजारा हो जाता है. बेटा आपका ये मेंटली अपसेट है, आप पहले से है या अभी हुआ? ये बचपन से ही ऐसा है. बचपन से ही है? हाँ जी, शुरू से. हाँ. तो मैम अगर बात की जाए इसकी, तो कहीं ना कहीं हर किसी माँ को देख के होता है कि मेरा बेटा भी एक दिन ऐसा हो कि मुझे खुशी दे, लेकिन आपका बेटा मेंटली अपसेट है, तो मैम कहीं ना कहीं तो दुख तो होता ही होगा. पहले होता था मुझे दुख जब ये छोटा था, पैदल भी नहीं चल पाता था, ये 4-5 साल तक पैदल ही नहीं चला, तो थोड़ा दुख होता था. फिर धीरे धीरे मैंने बाहर मतलब स्कूल में लगाया ये, फिर बाहर और भी बच्चों को देखा, तो मुझे लगा कि एक मेरे ही बच्चा थोड़ी है, बहुत बच्चे हैं दुनिया में, इसलिए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा थोड़ी है, बहुत आते हैं यहाँ पे, आते हैं बहुत बच्चे, तो देखती हूँ मैं, इसलिए अब मुझे कोई वो नहीं होता, कोई दुख नहीं होता. नहीं. और बेटे की जब बात करें, बेटे ने आपको एक रेड़ी लगवा के दी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम उसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि इसकी वजह से हमें मतलब एक रोज़गार मिला है. स्कूल वालों ने इसके स्कूल ही अपने स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा था, इसकी वजह से हमें रोज़गार मिला है. स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, रॉयल्टी क्लब है, निर्दोष स्कूल है, वहाँ पे दुग्गल सर जी हैं, सूरज सिंह दुग्गल सर जी, उन्होंने उनका बहुत बड़ा मतलब वो है, और सभी मैडमों का मतलब सबका, रॉयल्टी क्लब वालों का, उन्होंने यहाँ पे भी सब मतलब सबका बहुत प्रोत्साहन रहा है हमें ये काम करवाने में. कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि एक माँ का सपना होता है हमेशा कि मेरा बेटा बड़ा होके कुछ करे, मुझे बिठा के आराम दे या फिर अच्छी ज़िंदगी दे, लेकिन आपका बेटा की बात की जाए तो मेंटली अपसेट, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करके आपको एक रोज़गार दिला दे, कैसी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है. हम हमेशा घर में ही रहते थे, ये भी घर में ही रहता था, स्कूल से आके घर में, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मतलब देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, आते जाते ये देखता है घर पे, मतलब यहाँ आने के बाद इसको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बदलाव आया है. घर पे आता था तो बस वही टीवी देखना, वो करना, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है इसको. अब इसकी उम्र कितनी है? ये 19 साल का है. 19 साल का है, तो बाकी बच्चों की तरह इसकी इच्छाएं नहीं होती जैसे हर किसी की होती है, मैंने मोबाइल लेना है, कपड़े खरीदने, घूमने जाना है, कुछ ऐसा सा करता है? हाँ जी. इसमें कोई वो नहीं है, ये दूसरे बच्चों की तरह, बस ये मतलब कोई शब्द होते हैं मुश्किल वगैरह, वो ही नहीं बोल पाता, और सब है, मोबाइल चलाना, इसने डांस करना, मतलब मोबाइल में सब आता है इसको, मोबाइल चलाना. अच्छा. हाँ जी. मतलब पूरा एक्सपर्ट है? पूरा एक्सपर्ट है. तो ये लो, अभी तो हमने बात की है माता जी से, अब हम बात करेंगे आरुष से. हेलो. हेलो मैम. अच्छा,
कितने साल के आप? 13 साल। अच्छा 19 साल। 19 साल के हो? हाँ जी। हाँ, आपके मम्मी ने बोला आपको डांस करने का बड़ा शौक है, डांस करके दिखाओगे? मैं? हाँ। अब ये डांस करके दिखाया, इतना अच्छा डांस कहाँ से सीखा? मेरे साथ। हाँ? किसने सिखाया मैम को बताओ डांस करके? वंदना मैम ने आपको ये डांस सिखाया है। तो अगर आप यहाँ पे रहते हो, आप कैसे लोग आपको क्या कह के जाते हैं, प्यार करते हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसे बोलते हैं? हाय टू, थैंक यू बोलते हैं। हाँ। सो जिवें कि असीं दोनों माँ पुत की जोड़ी नाल गलबात की है, तो दोनों एक दूजे नाल बड़ा ज़्यादा खुश ने, क्योंकि माँ नूं एक मुंडे करके रोज़गार मिल गया, जो कि एक मैंटली अपसैट है। तो देखा जाए कितने ना कि इस मुंडे ने एक जड़ी मिसाल है वो कायम कर दी है कि बंदा जिदा का मर्जी हो कदे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए है। तुसी की थोनू की लगता है इन्हें इस बच्चे की हिम्मत बारे तुसी की कहना चाहोगे? कमेंट सैशन में कमेंट करके जरूर दसो। तो इदा दी अपडेट्स लिए साडे नाल बने रहो, तो देखते रहो सिटी हेडलाइन। मैंने मलिक, कैमरा परसन करण कुमार।